माय गुडनेस को फ्रीली सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे दिस इज माय स्पेशल वीकेंड ब्लॉग। और इन ब्लॉग्स में अक्सर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ मेकअप से रिलेटेड, कुछ ब्यूटी से रिलेटेड और कई बार कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ टिप्स। तो आज हम बात करेंगे आंवला जूस और एलोवेरा जूस के बारे में कि इनको पीने से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को इनका कोई भी साइड इफेक्ट फेस ना करना पड़े। तो आज हम इन पतंजलि के आंवला जूस और एलोवेरा जूस के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज गाइस, लेट्स स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं शेयर करूंगी कि आपको किन कंडीशंस में आंवला जूस और एलोवेरा जूस को पीने से परहेज करना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब आपको कोल्ड की प्रॉब्लम हो, कफ की प्रॉब्लम हो या गले में खराश की भी प्रॉब्लम चल रही हो, तो उस टाइम पीरियड के दौरान आपको इन दोनों जूसेस को अवॉइड करना चाहिए। इनको बिल्कुल भी पीना नहीं चाहिए क्योंकि इनकी नेचर भी ठंडी होती है जिसके कारण आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट हो सकता है। तो प्लीज़ उस टाइम पीरियड के दौरान इन दोनों जूसेस का सेवन ना करें। और मेरा सेकेंड पॉइंट ये है कि जिन लोगों की कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई भी मेडिसिन चल रही है, वो प्लीज़ पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि हम आंवला जूस और एलोवेरा जूस को पी सकते हैं क्या, इनका कोई भी रिएक्शन तो नहीं होगा। क्योंकि हमारी अगर कोई मेडिकल चल रही हो तो भी कई बार आंवला जूस और एलोवेरा जूस पीने से बॉडी पे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो वुमेन्स प्रेग्नेंट है या आप बेबी कंसीव भी करने जा रहे हो या आप ब्रेस्ट फीड भी करते हो, तो उन वुमेन्स को भी ये आंवला जूस और एलोवेरा जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार आंवला जूस और एलोवेरा जूस का सेवन करने से हमें साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, अगर आप प्रेग्नेंट भी हो, बेबी कंसीव करना भी चाहते हो या बेबी प्लान भी कर रहे हो या ब्रेस्ट फीड भी करते हो, तो प्लीज़ इन दोनों जूसेस का सेवन ना करें। अगर आप आंवला जूस लेना चाहते हो तो प्लीज आप फ्रेश आंवला का यूज कर सकते हो, फ्रेश आंवला खा सकते हो और फ्रेश आंवला जूस का भी सेवन कर सकते हो। सो मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपको डायरिया भी हुआ है, तो भी प्लीज आंवला जूस और एलोवेरा जूस का सेवन ना करें, तब भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं साइड इफेक्ट। सो ये है मेरी कुछ बातें जिनको आप अगर माइंड में रखोगे तो आपको आंवला जूस और एलोवेरा जूस पीने से कोई भी साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। अगर आपको फिर भी पीने के बाद कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, देन प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ये ना आपकी बॉडी को कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो आप फिर भी ये आंवला जूस और एलोवेरा जूस का सेवन कर रहे हो, तो प्लीज़ उन कंडीशंस में अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट। तो अब हम बात करेंगे सोडियम बेंजोएट के बारे में, क्योंकि आजकल लोगों के मन में सोडियम बेंजोएट को लेके एक डर सा बैठा हुआ है कि ये सोडियम बेंजोएट जो पतंजलि के आंवला जूस में भी यूज़ किया जा रहा है, जो पतंजलि के एलोवेरा जूस में भी यूज किया जा रहा है, इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आखिर में ये सोडियम बेंजोएट होता क्या है। सो सोडियम बेंजोएट एक ऐसा केमिकल है जो अक्सर फूड प्रोडक्ट्स में एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता है। ये कॉस्मेटिक्स में भी इस केमिकल का यूज होता है, मेडिसिन में भी सोडियम बेंजोएट नाम के केमिकल का यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी हेल्प के साथ जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा देर तक टिक जाते हैं। आप कह सकते हो कि उनकी शेल्फ लाइफ इसी के बेस पे बनी होती है क्योंकि इसमें यूज किया जाता है सोडियम बेंजोएट नाम के केमिकल का एज ए प्रिजर्वेटिव। आप अक्सर देखते हो कि ये जो फ्रूट जैम्स होते हैं, हमारे पिकल्स होते हैं, जूसेस होते हैं, उनमें अक्सर इस केमिकल का यूज किया जाता है। उनके पीछे आप प्लीज चेक करें, वहां पे लिखा होता है 211 के नाम पे भी इस केमिकल का नेम वहां पे मेंशन होता है, सोडियम बेंजोएट भी लिखा होता है कि इस प्रिजर्वेटिव का यूज इन फूड प्रोडक्ट्स में किया जाता है। सो ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि पतंजलि ही सोडियम बेंजोएट का यूज कर रहा है, ये कई टाइम से इस केमिकल का यूज हमारे फूड प्रोडक्ट्स में किया जाता है क्योंकि इसकी भी कुछ लिमिट होती है। वो कुछ लिमिट में ही इस सोडियम बेंजोएट के नाम के केमिकल का यूज करते हैं जिसके कारण आपकी बॉडी को कोई भी साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। सो ओवरऑल मैं यही कहती हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि सोडियम बेंजोएट इन जूसेस में यूज किया गया है, क्या हम इन जूसेस का सेवन करें या ना करें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप 1 मंथ के अंदर ही इन जूसेस का सेवन कर लें, क्योंकि 1 मंथ के बाद अगर आप इन जूसेस को पिएंगे वो ऑलरेडी एक्सपायर हो जाएंगे क्योंकि इनमें इस प्रिजर्वेटिव का यूज किया गया है, तो आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट फेस करना पड़ सकता है। सो प्लीज गाइस, इस सोडियम बेंजोएट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो आप प्लीज फ्रेश जूसेस का ही यूज कर सकते
कर सकते हो, जैसे कि आप फ्रेश आंवला जूस का भी सेवन कर सकते हो और फ्रेश एलोवेरा जूस का भी सेवन कर सकते हो। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग ये सेफ है, तो आप इनका यूज कर सकते हो। ये थी कुछ बातें जिन बातों को आपको अपने माइंड में रखना चाहिए अगर आप इन आंवला जूस या एलोवेरा जूस का सेवन करते हो। मैंने लास्ट भी शेयर किया था कि एलोवेरा जूस पीने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, बट अगर आपने मेरा वो वीडियो मिस किया है देन प्लीज आप इस लिंक पे क्लिक करके वो मेरा वीडियो जरूर देखें। अगर आप एलोवेरा जूस का सेवन करते हो, एलोवेरा जेल का भी यूज करते हो, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि आखिर में एलोवेरा के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी पे। और ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का मेरा स्पेशल वीकेंड ब्लॉग, एंड आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। देन प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।